अलैकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। आज देर क्यों हो गई तुम्हें? मतलब मतलब ये कि पहुंचा है बीवी के आंसू या अभी जाना बाकी है? तुम्हारे मैं समझा नहीं अम्मा, ये कहाँ जाने का बोल रही हैं आप? ससुराल जाने के लिए कह रही, और कहां? क्या मतलब, ये वर्धा कहाँ है? वर्धा चली गई है? तुम तो ऐसे भोले बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं हो। अम्मा मुझे कुछ नहीं पता, और वर्धा ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। सुफियान छोड़कर आया उसे, वो तो निकल कर जा रही थी खुद ही। इस घर में उसके वफादारों की कमी थोड़ी है, इसीलिए नादिर मैं तुमसे कह रही, वो गई तो गई, उसे लाने की कोशिश मत करना और ना ही ख्वाहिश। आज उसने मेरी बहुत बेइज्जती की, उससे कहकर गई है कि जा तो रही हूं ठीक है, तुम उसे वापस ले आओगे, और वो ये चैलेंज तुम्हारी शह पर देकर गई है मुझे। नादिर मैं तुमसे सिर्फ यही कहूंगी, अगर तुम मेरे बेटे हो ना तो उसकी ये खुशफहमी को दूर करो, नहीं लेने जाओगे, जहां है वहीं रहने दोगे उसे, कम से कम अपनी शादी तक। और जहां तक मैं उसे जानती हूं उसके बाद वो खुद नहीं आएगी। और मैंने तो ठान ली है अम्मा जी, सुफियान मेरा सगा भाई है, एक से बढ़कर एक लड़की ढूंढूंगी मैं इंशाल्लाह उसके लिए, और वो भी चांद जैसी। आए है बेटा, तुम्हारी नियत साफ है ना, देखना अल्लाह तुम्हारी कैसी मदद करेगा। हाँ हाँ बहुत अच्छी लड़की आएगी। आप ऐसा करें कि आप सुफियान से कहेगा कि मेरी तरफ से ना माजरत नहीं, बल्कि कुछ नहीं कहिएगा, बस छोड़ें, रहने दें इस बात को। ओए, तुम इतनी ढीट क्यों? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हम तुमसे बात नहीं करना चाह रहे, तुम्हें मुंह ही नहीं लगाना चाह रहे? यहाँ पे आई हो ना सिर्फ इस वजह से बैठी हुई हो क्योंकि असफन यार के साथ आई हो, वरना धक्के दे के बाहर निकालती मैं तुम्हें इस घर से। चुपचाप बैठो अगर बैठना है तो, और मिलनी है तो दफा हो यहाँ से। हाँ तुम मिलने ही तो आई हो ना आप लोगों से, तुम मिले आप लोग मुझसे तो बातें करें।